ओके तो वेलकम बैक अगेन बच्चों, और जल्दी से जो है पेज नंबर 190 को ओपन कर लो। ठीक है, 190 पर आपके आखिरी नॉमनक्लेचर है एंड दैट इज एक्चुअली द ईथर। पेज नंबर 190। बहुत ही आसान सी नॉमनक्लेचर है, बहुत ही आसान सी नॉमनक्लेचर। ठीक है, ईथर्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो हम लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ आर से। ठीक है, आर ओ आर, ईथर को हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ आर। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ईथर। ठीक है, और ईथर जो है बेटा आपके पास जनरल हमने लिखा, और ईथर कैसे तैयार होते हैं बेटा, ईथर नॉर्मली तौर पर आपके पास दो एल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दो एल्कोहल्स को आपने रिएक्ट कराया, एक एल्कोहल आपके पास एसिडिक बिहेव करता है, दूसरा एल्कोहल आपके पास बेसिकली बिहेव करता है, एंड एज अ रिजल्ट आपके पास एक के पास से एच गया और दूसरे के पास से ओ एच चला जाएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ईथर्स के हवाले से आप लोग जो है पेज नंबर 190 पर देखेगा, डेफिनेशन जो है वो ईथर की ऑलरेडी मेंशन है कि आप ईथर जो है किन कंपाउंड्स को कहते हैं। ठीक है, ईथर्स आर द कंपाउंड्स विद द जनरल फार्मूला CnH2n+2O। अब यहाँ पर जो इसका जनरल फार्मूला है, सही है, वो है CnH2n+2O। CnH2n+2O इज द जनरल फार्मूला। ठीक है, और यह है जनरल रिप्रेजेंटेड या जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, किसका, ईथर का, और ईथर की नॉर्मल तौर पर हम प्रिपरेशन इस तरह से करते हैं आर ओ एच एच आर ओ एच आपके पास क्या बनता है आर ओ आर, और क्या बनेगा आपके पास H2O बनेगा। ठीक है, अच्छा, ईथर्स आर द कंपाउंड्स विद द जनरल फार्मूला CnH2n+2O व्हिच इज सेम एज दैट फॉर द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। एक और एक MCQ के तौर पर आप लोग ये बात याद रखें कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास ईथर का, ठीक है, हमने बेटा अल्कोहल, तीन तरह की अल्कोहल्स होती हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओ एच दैट इज अटैच। अगर एक ओ एच अटैच होता तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो ओ एच अटैच होता तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीन ओ एच अटैच होता है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और उससे ज़्यादा अगर ओ एच अटैच हो तो हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो ईथर्स हैं बेटा उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बोथ आर सेम। याद रखिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला और इसी तरह से ईथर्स का जनरल फार्मूला, बोथ आर सेम, बोथ हैविंग अ जनरल फार्मूला CnH2n+2O। ये MCQs में पूछा गया है पास्ट ईयर्स में बहुत बार। ठीक है, द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जनरल फार्मूला एंड ईथर जनरल फार्मूला, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड सिंस देयर जनरल स्ट्रक्चर इज आर ओ आर, दे मे बी रिगार्डेड एज अ अल्काइल ऑक्साइड और द एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। इसका इसकी जो डेफिनेशन है बेटा वो है बहुत आसान सी, अल्काइल ऑक्साइड, या फिर आप इसे एन हाइड्राइड ऑफ एल्कोहल्स भी कह सकते हैं। सो एन हाइड्राइड ऑफ एल्कोहल्स कह लीजिए, या फिर जो है अल्काइल ऑक्साइड्स आप कह लीजिए, बोथ आर सेम। ठीक है, तो आपके पास जो है डेफिनेशन क्या बनी ईथर्स की, अल्काइल ऑक्साइड्स आप कह लें या फिर एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल कह लें। सो अल्काइल ऑक्साइड्स और द एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ ईथर। जनरल रिप्रेजेंटेड फार्मूला इज आर ओ आर, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CnH2n+2O, बोथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड द ईथर्स हैविंग द सेम जनरल फार्मूला। इसकी IUPAC बड़ी ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, IUPAC कैसे लिखते हैं इसकी, IUPAC लिखने का इसका तरीक़ेकार है अल्कोक्सी अल्केन। क्या लिखेंगे इसे हम, इसे हम लिखेंगे बेटा अल्कोक्सी अल्केन, ALKOXY, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों तरफ आपको जो है ना इसमें, इस फॉर्मूले में अगर आप देखिए, इस फॉर्मूले पे अगर गौर कीजिए तो यहाँ पर भी अल्काइल मौजूद है और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, अल्काइल मौजूद है। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा ना, हमेशा जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा, चाहे अगर ये वाली अल्काइल लॉन्गेस्ट हो, चाहे ये वाली अल्काइल लॉन्गेस्ट हो, जो भी अल्काइल लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है, जो भी अल्काइल आपके पास बेटा लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है,
उसको आप अल्केन लिखेंगे, उसको आप क्या लिखेंगे, अल्केन लिखेंगे। इट मींस के जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरफ मिथाइल है और इस तरफ इथाइल है, तो आप यहाँ पर जो इथाइल है उसे आप कैसे लिखेंगे, इथेन, और यहाँ पर जो मिथाइल है उसे आप क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। मतलब एक तरफ वाला जो है अल्क कौन सा होगा और दूसरी तरफ भी आपके पास जो है वो अल्क मौजूद है। मैंने शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि अल्क स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, शुरू से कहता आ रहा हूँ ना भाई, अल्क स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम, अल्क स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अल्क ऑक्सी के साथ कौन सा वाला लगेगा, और अल्क एन, यहाँ पर दो अल्क है ना, यहाँ पे दो अल्काइल है आपके पास, देखो एक येरी अल्काइल एक येरी अल्काइल। अब किस अल्काइल में मौजूद कार्बन एटम्स की तादाद यानी मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट आप ऑक्सी के साथ लिखोगे, और किस अल्काइल में मौजूद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद यानी मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेप्टेक्स आप एन के साथ लिखोगे। ठीक है, तो अभी मैं नॉमन क्लेचर करता हूँ इसकी, तो आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा एग्जाम्पल नंबर वन के तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन की तरफ हम आ गए, मैंने यहाँ पर लिखा CH3O CH3। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ बराबर हैं, किसी को भी अल्काइल कह दो किसी को भी अल्कोक्सी कह दो। मैंने कहा कि सर मैंने इसको मान लिया एक अल्काइल और ये दूसरा अल्काइल, किसी को भी अल्कोक्सी कह दो किसी को भी अल्केन, दोनों तरफ मैथ मैथ लगा हुआ है, तो इसका नाम जो होगा बेटा वो होगा मिथॉक्सी मिथेन। यानी किसी को भी आप अल्कोक्सी मान लो, अल्कोक्सी का मकसद आप ऑक्सीजन के साथ अल्काइल को समझ रहे हो, और सिर्फ अल्केन मतलब ये वाले पोर्शन का आप नाम ले रहे हो। अब कोई लोग चाहे मर्जी है तो वो इसे अल्केन मान लें और इस वाले पोर्शन को अल्कोक्सी मान लें, इट्स अप टू यू, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। अब अगर बराबर ना हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर टू अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो समझ आ जाएगी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर मैंने लिखा C2H5 मैंने यहाँ पर लिखा, और ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ अल्काइल जो मौजूद है ये डिफरेंट हो गई ना, तो अब जो डिफरेंट है तो लॉन्गेस्ट वाला पोर्शन जो होगा हमेशा वो अल्केन सपोज किया जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम अल्केन के तौर पर लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, इस वाले पोर्शन को आप अल्कोक्सी के तौर पर जो है वो ट्रीट करेंगे। ठीक है, किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, अल्कोक्सी के तौर पर। तो अब यहाँ पर कितने कार्बन एटम मौजूद है, एक कार्बन एटम मौजूद है, तो इसे आप कहेंगे मिथॉक्सी, और यहाँ पर दो कार्बन एटम है तो आप कहेंगे इथेन। ठीक है, तो इसका नाम जो बनेगा बेटा वो नाम इसका बनेगा आपके पास मिथॉक्सी इथेन। सही है, नाम क्या बना इसका, मिथॉक्सी इथेन। नाउ थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, और इस थर्ड एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने यहाँ पर लिखा CH3, यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीजन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया C3H7। ठीक है, C3H7। अब यहाँ पर तीन कार्बन एटम है, यहाँ पर एक कार्बन एटम, तो ये वाला लॉन्गेस्ट वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। सही है, लॉन्गेस्ट वाला पोर्शन बन जाएगा आपके पास अल्केन, और ये वाला पोर्शन आपके पास जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा अल्कोक्सी। तो एक कार्बन एटम है तो इसे हम कहेंगे मिथॉक्सी, और यहाँ पर तीन कार्बन एटम है तो इसे हम कहेंगे प्रोपेन, सो मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया इसका नाम। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब थोड़ा सा मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, ज़रा खेलने का टाइम है, और खेलने का टाइम जैसे ही खेल समझ आ जाएगा बस फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी, नॉमनक्लेचर भी ख़त्म हो जाएगी IUPAC के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन लिखा, उसके बाद यहाँ पर मैंने कार्बन लिखा, और यहाँ पर जो है मैंने लगाया कार्बन, और यहाँ पर मैंने लगाया कार्बन एटम, और यहाँ पर मैंने लगा दिया आपके पास CH3। ठीक है, बकिया वैलेंसी यहाँ पर लग जाएगी CH3, यहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी लग जाएगा CH3। अब सर लॉन्गेस्ट पोर्शन तो ये वाला है, तो इस वाले पोर्शन को तो हम अल्केन कहेंगे, और ये वाला पोर्शन आपके पास जो है वो अल्कोक्सी सपोज किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्मॉलेस्ट है, तो ये वाला तो पोर्शन आप लिख सकेंगे सर मिथॉक्सी। ठीक है, क्या करेंगे, मिथॉक्सी। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि जो दूसरा वाला जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा वो बिल्कुल अल्केन के तरह सपोज किया जाएगा। तो जैसे बेटा अल्केन में ब्रांचेस आपके पास आती है ना, जैसे 2 मिथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 प्रोपाइल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर अल्कोक्सी को भी उसी मिथाइल इथाइल के तौर पर सोचना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो अल्केन वाला पोर्शन है ये लॉन्गेस्ट तो है लेकिन स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, आप अगर गौर कीजिए, ठीक है, तो ये स्ट्रेट नहीं है,
इसमें सेकंड कार्बन एटम पर आपके पास ये वाला मिथॉक्सी जो है पूरा पोर्शन अटैच है, तो इसका नाम भी हम इसी तरह से करेंगे कि ये वाला सर पोर्शन तीन कार्बन एटम की चेन है, इसमें से मान ले फर्स्ट कार्बन, इसे मान ले सेकंड कार्बन, इसे मान ले थर्ड कार्बन, और टू जो सेकंड कार्बन है उस पर आपके पास जो है वो लगी हुई है मिथॉक्सी, तो इसे हम लिखेंगे बेटा टू पर आपके पास जो है वो अटैच है मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा टू मिथॉक्सी, और मैथ एथ प्रॉप तो इसका नाम हो जाएगा टू मिथॉक्सी प्रोपेन आपके पास, ठीक है। इसका नाम क्या बन जाएगा, टू मिथॉक्सी प्रोपेन आपके पास। थोड़ा सा और मजीद करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया CH3, यहाँ पर मैंने कार्बन एटम लिया, यहाँ पर मैंने अगेन लिया CH3, यहाँ पर बेटा मैंने जो है वो ले लिया C2H5, यहाँ पर मैंने ले लिया ऑक्सीजन और यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली सर ये लॉन्गेस्ट पोर्शन नज़र आ रहा है वो स्मॉलेस्ट, तो वो हो जाएगा इथॉक्सी, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर जो चेन है ये स्ट्रेट नहीं है, ब्रांचेस वाली, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करना है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चार कार्बन एटम की चेन बनेगी। मैंने कहा बेटा स्ट्रेट ही सपोज कर लीजिए चेन को, ठीक है। ये चेन बन गई स्ट्रेट और ये आपके पास जो है ना बेटा आपके पास ये बन गई ब्रांच, ठीक है, और ये हो गया आपके पास इथॉक्सी वाला पोर्शन, सही है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, हानिया कह रही है सर क्लास में इंटर कर दें, ठीक है भाई कर दिया। अच्छा चलो भाई कर दिया, हानिया को इंटर क्लास में हो गई ना, हाँ हो गई हानिया इंटर क्लास में। अब देखो भाई, तो इस पे ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें नंबरिंग करो। वन ये हो गया, ये हो गया टू, ये हो जाएगा थ्री और फोर, सही है। सेकेंड कार्बन एटम पर आपके पास है मिथाइल और सेकेंड कार्बन एटम पर आपके पास अटैच है इथॉक्सी, तो अब आपके पास टू पर अटैच है ना मिथाइल, तो टू पर एम और टू पर आपके पास अटैच है इथॉक्सी, तो पहले ई आता है या एम आता है, ठीक है, तो पहले ई आता है, तो पहले हमने लिखना है टू पर आपके पास अटैच है इथॉक्सी और टू कार्बन यानी सेकेंड कार्बन एटम पर आपके पास अटैच है मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद जो है मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास ब्यूटेन, यानी जैसे ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नाम लिखते हैं ना, और दो जब आपके पास ब्रांचेस होती है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आपके पास चार कार्बन एटम की अल्केन थी, तो आपने लिखा ब्यूटेन और सेकंड कार्बन एटम पर था मिथाइल और सेकंड कार्बन एटम पर था इथॉक्सी, तो टू इथाइल मिथाइल हो गया और टू इथॉक्सी आपके पास हो गया, सही है भाई। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब जरा बुक की एग्जाम्पल्स पर आ जाओ, पेज नंबर 191 ओपन कर लीजिएगा। पेज नंबर 191 पर देखिए पहली एग्जाम्पल CH3O CH3, तो दोनों तरफ बराबर है तो मिथॉक्सी मिथेन इसका नाम लिखेंगे। उसके बराबर में देखो एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5, तो लॉन्गेस्ट वाला जो है आपके पास अल्केन बन जाएगा, दूसरी तरफ लगा हुआ है CH3, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन आपके पास, ठीक है। उसके नीचे देखो एक तरफ है C2H5, दूसरे तरफ भी अटैच है C2H5, तो इथॉक्सी इथेन बन जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिएगा एक तरफ लगा हुआ है CH3 और दूसरी तरफ लगा हुआ है CH2 CH2 CH3, तो शॉर्टेस्ट वाला मिथॉक्सी बन गया और तीन कार्बन एटम दूसरी तरफ तो मिथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा उसकी अगली एग्जाम्पल आपके पास जो है बेटा वही ब्रांचेस वाली है, तो देखो टू पर आपके पास लगा हुआ है मिथॉक्सी और आपके पास है प्रोपेन। उसके बराबर वाली एग्जाम्पल पर देखिएगा आपके पास है टू पर लगा हुआ है इथॉक्सी और टू पर ही लगा हुआ है मिथाइल और है आपके पास प्रोपेन, तो टू पर मिथाइल है, टू पे इथॉक्सी और प्रोपेन। तो आपने जो है बेटा ये नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, थोड़ी सी गलत तो नहीं है, सही है, लेकिन रीअरेंजमेंट का थोड़ा सा गलती यहाँ पर रीअरेंजमेंट की है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। पहले आएगा टू इथॉक्सी, फिर आएगा टू मिथाइल और फिर हो जाएगा प्रोपेन। सो आई होप कि यहाँ तक तमाम नॉमेनक्लेचर जो है वो तुम लोगों को मसला नहीं हुआ होगा और तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है।
अगेन वही वाली बात कि यार स्टार्ट में जो है ये सब रेनोवेट थोड़ा सा मसला था तो नहीं हो पाया, तो बहुत सारी सॉरी इसके लिए, वरना तुम लोगों को स्टार्ट से इस तरह की क्लासेस में लेता, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास जब सारी चीज़ें मौजूद है तो फिर मसले के कोई वो नहीं था, लेकिन यहाँ से तमाम फोकस वगैरह सारी चीज़ें जा चुकी थी, दूसरे रूम में मैंने शिफ्ट कर दिए थे सारी चीज़ें ब्लैक थीम वाले स्टूडियो पर, तो इसलिए तुम लोग की क्लास में नहीं ले पाया। आई होप कि अब तक जो है जो नॉमनक्लेचर बोर्ड पर समझाई इंजॉय किया होगा, समझ आया होगा, और अब जब नेक्स्ट क्लास से बेटा हमने क्लासेस लेनी है तो फिर जो है ना हमने क्या करना है कि अब ये क्या कह रही है कायनात, बेटा नॉमनक्लेचर का रिवीजन कराना कोई आसान नहीं है, वो देख अब सारी के सारी नॉमनक्लेचर तकरीबन आपके पास जो है ना वो उस पे क्लासरूम पे मैंने अपडेट की हुई, वहाँ जाकर के देख लो, अगर मौका मिला बिल्कुल एंड में तो देखेंगे, सही है, अगर रिवीजन कराने का टाइम मिला तो कराएंगे, वरना तमाम क्लासेस मैंने ली है बेटा नॉमनक्लेचर की, तमाम लाइव ली है, सही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने नॉमनक्लेचर का लेक्चर दिया हो, सारी लाइव ली, उसके बाद फिर उसके रिकॉर्डेड फॉर्म भी अपडेट कर दिए, तो क्या नाम है इसमें अब मेरा तो एरर नहीं है ना बच्चों, ठीक है, अब देखा जाएगा एंड में अगर टाइम बचा बिल्कुल आखिर में, सही है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद देखा जाएगा, अगर टाइम बचा तो नॉमनक्लेचर रिवाइज कराएंगे, नहीं बचेगा तो फिर नहीं कराएंगे रिवाइज, ठीक है, क्योंकि नॉमनक्लेचर रिवाइज कराने से पहले मुझे आप लोगों का पास पेपर आपके साथ सॉल्व कराना है पूरा, ठीक है, तो आप फटाफट हम आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर, सही है, जल्दी से जो है वो हम नॉमनक्लेचर के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पर आएंगे, और रिएक्शन मैकेनिज्म समझाने के बाद जो है फिर हम जो इनऑर्गेनिक में तुम लोगों का तो ख़त्म हो गया है, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन तो बाकी नहीं है, सही है, तो जल्दी से हम फिर आएंगे इन और अपना ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे फटाफट, और फिर हम आएंगे रिविजन किस तरह से पहले पास पेपर्स में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, सही भाई, तो यहाँ तक आई होप कि कोई मसला नहीं होगा, तमाम चीज़ें क्लियर हैं, और रिविजन वाली बात वही मैं दोबारा बता दूँ, नॉमनक्लेचर की रिविजन अगर आखिर में टाइम बचा तो फिर रिवाइज करवाएंगे, नहीं बचा तो फिर रिवाइज नहीं कराएंगे, अगर रिविजन करना है तो तकरीबन 90% नॉमनक्लेचर तो अपडेट है, क्लासरूम पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है, जजाकल्ला भाई, टाटा, अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलो बोलो कायनात बोलो, जल्दी से बोलो, शाबाश, देखो प्रीवियस वाले लेक्चर ज़रा खोल करके देखो, सही है, समझ आ जाएगा क्या आइजो और नॉर्मल क्या, नहीं तो फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो फिर मैं क्लियर कर दूंगा आइजो सेकेंडरी और नॉर्मल का फ़र्क दोबारा से एक बार, ठीक है, नॉर्मल हम किसे कहते हैं, आइसो किसे कहते हैं, सेकेंडरी, आइसो वाली बात जो बताई है ना उसको अभी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, मैंने कोशिश की है, तो मैं अपडेट कर दूंगा, आइसो वाली बात को 3-4 बार समझ लेना, नॉर्मल तो कहते हैं स्ट्रेट को, आइसो कहते हैं आपके पास किस चीज़ को मैंने बताया, ठीक है, तो 2-3 बार 4 बार सुन लेना, समझ आ जाएगा आइसो किसे कहते हैं, ठीक है, एक बार में नहीं समझ आया तो बार बार सुन लेना, आ जाएगा समझ में, बस और कोई मसला तो नहीं है, और एक एन भी है, एन स्टैंड्स वो नॉर्मल बच्चे लाइन से जब हम लिखते हैं ना CH2 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 CH3 CH3, बस CH2 CH2 CH3, दिस इज द स्ट्रेट चेन फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसको एन से लिखा जाता है, आई होप अब जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बड़ी सफोकेशन हो रही है, टाटा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।